अलिफ लै हर शब नई कहानी दिलचस्प है बयानी सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी दोस्तों, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, मसर्रत का दिन है, क्योंकि आज मेरा दुश्मन मेरे कब्जे में है। बहुत जी चुके मेरे दोस्त, बहुत जी चुके। अब तुम्हारे पास गिनती की चंद सांसें बाकी हैं, मगर कुछ देर में ये सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। हाँ, मगर इससे पहले मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ, खुश करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारे दिल में कोई हसरत ना रह जाए।
सच्चाई की ताकत रखते हैं। बेहोशी में भी हमने सबका होश उड़ाया हुआ। आली का दुरुस्त है आपका फरमाया हुआ। धोखा हुआ आए रे, धोखा हुआ ए, धोखा हुआ आए रे, धोखा हुआ। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे चाहने वालों को एक एक करके कत्ल करूंगा। तुम्हारे सामने तुम्हारे दोस्तों के सर कट कट कर गिरेंगे, उनके जिस्म तड़पेंगे, ये जमीन उनके खून से रंग जाएगी। और तुम सिर्फ बेबसी से देखोगे, बेबसी से। एक एक करके सबके सर उड़ा दो, जाओ। जो हुकुम सरदार। खोल दो इसे और ले चलो। ठहरो, खुदा के लिए रुक जाओ। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे माफी मांग लूं? तो लो, मैं तुमसे माफी मांगने को तैयार हूं। देख ली तुमने कहरमान की ताकत, देख लिया मौत का खौफ आदमी को क्या से क्या बना देता है। ये सिंधबाद जो कल तक एक शेर था, दिलेर था, लेकिन आज चूहे की तरह बेबस है। ये सिंधबाद नहीं, मिट्टी का ढेर है, एक जिंदा लाश है जो मुझसे माफी मांग रहा है। अब सिर्फ माफी मांगने से मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। हाँ, अब ये मेरे पैरों पर सर रखकर गिड़गिड़ाएगा। और तुम सब लोग ये तमाशा देखोगे। हाँ, मैं तुम्हारे पैरों में सर रखकर गिड़गिड़ाने को तैयार हूं। तुम जो कहोगे मैं वही करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे साथियों को छोड़ दो। हाँ।
कहरमान, तुम जो चाहो करो, मगर मरने से पहले हमें इतनी मोहलत दे दो कि हम अपने खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग सके। हमारे हाथ खोल दो। इन सब के हाथ खोल दो ताकि ये अपने खुदा से अपने गुनाह की माफी मांग सके। खोल दो। हाथ में कुछ नहीं है, जिंदगी मौत इज्जत जिल्लत सब ऊपर वाले के हाथ में है। न जाने हम में से कौन है जिसकी नेकी इस बुरे वक्त में काम आई और हम सब मौत के मुंह से जिंदा और सलामत निकल आए। अगर हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर उनका मुकाबला नहीं करते तो शायद बच नहीं पाते। इस तजुर्बे ने एक बार फिर यह बात साबित कर दी है कि इत्तेहाद में बहुत बड़ी ताकत है।
हमारा इत्तेहाद हमारी ढाल भी है और तलवार भी। इत्तेहाद एक ऐसी मजबूत दीवार है जिससे टकराकर बड़े से बड़ा तूफान भी ठंडा हो जाता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं दोस्तों, इत्तेहाद जिंदाबाद, इत्तेहाद जिंदाबाद, इत्तेहाद जिंदाबाद, इत्तेहाद जिंदाबाद। तुम्हारी दवा पीकर सिंधबाद अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकता। यकीन मानिए वो बड़ी पुरसर दवा थी। अगर हाथी को भी पिला दी जाती तो वो भी वही ढेर हो जाता। मगर तुम्हारी दवा का उल्टा असर हुआ। उस मर्दूद में हाथी जैसी ताकत आ गई और उसने हमारी जीती हुई बाजी उलट दी। उसने उसने हमारे टापू पर आग लगा दी। उसने हमारी आधी ताकत खत्म कर दी। उसने अचानक ऐसी चाल चली कि मैं अपना जादू तक भूल गई। अब बताओ तुम्हें मैं इसकी क्या सजा दूं? इसे जला कर खाक कर दो जुबेदा। हाँ, खाक कर दो। हाँ, अगर मैं इसे अपने जादू से पैदा कर सकती हूँ तो इसे मार भी सकती हूँ। मगर नहीं अभी हमें इससे एक बहुत बड़ा काम लेना है। कैसा काम? अभी हमारे हाथ में एक और मोहरा बाकी है। और वो है निगारिस्तान। निगारिस्तान? हाँ, निगारिस्तान। सिंधबाद निगारिस्तान की तरफ जरूर जाएगा और मुझे यकीन है कि वहां से वो कामयाब होकर लौटेगा। मगर ये काम इतना आसान नहीं है जुबेदा। तुम नहीं जानते कहरमान, सिंधबाद के फैसले अटल होते हैं। दरिया अपना रास्ता बदल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, मगर सिंधबाद का बढ़ा हुआ कदम कभी पीछे नहीं हट सकता। वो जरूर कामयाब होकर वापस आएगा और जब वो कामयाब होकर लौटेगा तब हम वो मोहरा आगे बढ़ाएंगे। हा? जो कभी पिट नहीं सकता। हा? कौन सा मोहरा? कौन सा मोहरा? सिंधबाद के मुकाबले में एक नया सिंधबाद पैदा करेंगे। हा? और सिंधबाद का कत्ल सिंधबाद के हाथों से होगा। सिंधबाद का कत्ल सिंधबाद के हाथों से? मगर ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है कहरमान। जुबैदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। मगर कैसे? क्या ये कोई पहेली है?
है तो पहेली हाँ। मगर इसका जवाब मेरी मुट्ठी में है हाँ। हाँ, इसका जवाब मेरी मुट्ठी में है। अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला।